अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पहले मैं एक चीज़ इस व्लॉग की क्लियर कर दूँ कि इस व्लॉग में मैंने एक दिन में मैंने 3-4 क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, फिर अगले दिन में 3-4 किए हैं, उस तरह करते करते मैंने एक पूरा व्लॉग बना दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ हुआ नहीं, हैपनिंग बहुत होता था, बट पता मैं मोमेंट इन्जॉय किया था तो मैंने उसको व्लॉग में नहीं लिया, तो उस वजह से कुछ हो गया। आई रियली वॉन्ट टू पोस्ट समथिंग, तो मैंने वो क्लिप्स इकट्ठी करके उनको एक व्लॉग की फॉर्म में बना दिया, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगी थी लिटरली इन के इतनी क्लिप्स इकट्ठी करने में। कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया बट बनाने का दिल नहीं करा, वो अलग बात है, लेकिन अब आप इस व्लॉग को आगे इन्जॉय करें। तो आज मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2 अनियंस लिए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आई थिंक इतने इनफ होंगे उनके लिए। तो पहले अब इनको हम कट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। मैंने ऑयल एक डेगची में ले लिया है, अब उसके अंदर हम अनियंस डालते हैं। अनियन मैंने डाल दिए हैं, अब हम इसको अच्छी तरह ब्राउन करते हैं। वैसे तो मैंने बिरयानी पहले भी 3-4 टाइम्स बनाई हुई है, बट ये है ना कि मैंने उसको 2-3 साल पहले बनाई या मैंने 1 साल पहले बनाई, इस तरह से था, तो मुझे रेसिपी इतनी याद नहीं है। तो मतलब जो जो मामा बताती कि मैं करती थी, तो हमने उसके दरमियान में टमेटोज़ वगैरह भी डाल दिए। अब हम उसको अच्छी तरह का मसाला आई गेस कहते हैं भूनना वो कर रहे हैं। और सो गर्ल्स एंड बॉयज़, मेरी बिरयानी रेडी है। आई डोंट नो व्हाई कैमरा में इतनी जीप क्यों लगी है, बट ये लिटरली टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी। हाँ, बस इसमें सॉल्ट आई गेस कम था। तो अब रात का टाइम है और रात को तो मैंगो शेक पीने का बहुत मज़ा आता है, और ऊपर से जब इतनी गर्मी हो तो उसमें तो मैंगो शेक बहुत मज़े का काम करता है। तो अब मैं आइसक्रीम्स लेके आई थी अपने लिए, मैंने पूरा बॉक्स बनवाया था स्कूप्स का, और अब हम इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे साथ साथ। तो नाज़रीन, लाहौर उसके मुज़ाफ़ात में बारिश हुई जाती है, और दरियाए लाहौर मैं आपको अभी दिखाती चलती हूँ। ये देखें, ये हमारे लाहौर का दरिया है जो कि बारिश के बाद बहना शुरू हो जाता है। तो अगले दिन की सुबह हो गई है और अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी हूँ। अब मैं इनको टोस्ट करती हूँ और जैम लगा के खाती हूँ। अब मैंने अपने लिए फ़्राइज़ बनाई है, लंच टाइम चल रहा है तो फ़्राइज़ हैं, और उसके साथ अब हम पास्ता खाएंगे, क्योंकि लंच टाइम चल रहा है ना, तो लंच टाइम में कुछ मज़े का होना चाहिए, तो अब उसके साथ हम पास्ता खाएंगे। गर्मियों में सबसे काम की चीज़ है कि स्लश होती है। तो इतने प्यारे इस टाइम बादल आए हुए हैं, और आज मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए, तो बारिश शुरू हो गई और बहुत ही मज़े के मतलब सीन हो, ये यूनिवर्सिटी है। और अब मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ चाइनीज़ बनाया जाए, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो मैंने चिकन को यहाँ पे मैरिनेट कर लिया था, और बाकी मैं चाइनीज़ की तैयारी कर रही थी। मैंने 2 प्लेट्स में चिकन निकाल लिया था अलग अलग, ठीक है, उसके साथ ये सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, एग, चिली फ्लेक्स, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर चीज़ें थी। और इतना कोई मज़े का ये बना था ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़े का मुझे बना था, मेरा तो कहते ना बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। अगला दिन स्टार्ट हो गया, हमने उसके बाद नूडल्स खाएं सबसे पहले। और ये सुबह के 7 बजे मैं और मेरी बहन नाश्ता कर रहे थे नानचनों का। अब अंधेरे में ना उसको कुछ समझ आ रही थी ना मुझे, और मैं वीडियो बना रही थी, तो उससे हम दोनों को गुस्सा चढ़ रहा था, तो उसने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। आज के दिन इतने प्यारे बादल निकले हैं कि फ़ोन भी नहीं उनको रिकॉर्ड कर पा रहा, बहुत प्यारे बादल हैं, जिस तरह सूरज है साथ में बादल हैं। अब मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ जो कि मेरी बहन ने बनाई है, ये बहुत मज़े की बनी है, बस इसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि मैं कम मीठा पीती हूँ और मेरे घर में सारे ज़्यादा पीते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।